अमूमन हत्या के मामले में लोगों के सिंपथी अक्सर मरने वाले के साथ होता है, मगर आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ इसमें लोगों की हमदर्दी मरने वाले के बजाय मारने वाले के साथ थी। जब केस की सुनवाई के दौरान कातिल कोर्ट में जाता है तो उसके पीछे हजारों लोगों की भीड़ चलती थी। कोर्ट के बाहर उसके समर्थन में नारेबाजी होते थे। हालात ऐसे भी हो गए थे कि भारत की तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर तक को इस कत्ल के बारे में बयान देना पड़ा था। हम भारत के सबसे चर्चित हत्याकांड में से एक KM नानावती केस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर अचानक और रुस्तम जैसी फिल्में बनी। ये इंडिया का वो पहला केस था जिसमें मीडिया ट्रायल हुआ। तो चलिए जानते हैं इन मूवीज के पीछे के असली कहानी को। कहानी का मेन कैरेक्टर है कबस अनिक्सा नानावती। इनका जन्म 1925 में एक पारसी परिवार में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बाद ये आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाते हैं। वहीं उनका मुलाकात 1949 में सिल्विया नाम की लड़की से होती है। नानावटी लंबी चौड़ी कदकाठी का एक हैंडसम लड़का, इसीलिए पहली ही मुलाकात में सिल्विया नानावटी के ओर आकर्षित हो जाते हैं। फिर दोस्ती होती है और एक दिन नानावटी पूछ ही लेते हैं कि क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी, और सिल्विया तुरंत हाँ कर देती है। फिर दोनों इंग्लैंड की एक कोर्ट में शादी कर लेते हैं। उस समय नानावटी 26 साल के थे जबकि सिल्विया 18 की थी। बाद में दोनों मुंबई में आके बस जाते हैं। फिर नानावटी इंडियन नेवी ज्वाइन करते हैं। नेवी में ये लेफ्टिनेंट कमांडर थे। फिर इनके दो बेटे और एक बेटी पैदा हुए, लेकिन नानावटी का ज्यादातर वक्त समंदर में ही बीतता था, तो घर से अक्सर ये दूर रहा करते थे। शादी के 10 साल बीत जाते हैं। क्योंकि लंदन से थी इसलिए सिल्विया थोड़े खुले ख्याल के हैं। इसी दौरान नानावटी और सिल्विया की दोस्ती मुंबई की एक रईस बिजनेसमैन प्रेम आहूजा से होती है। घर आना जाना शुरू हो जाती है, लेकिन जब नानावटी बाहर होते हैं तब भी प्रेम उनके घर सिल्विया से मिलने आता है। आखिरकार सिल्विया और प्रेम में प्रेम हो जाती है, दोनों नजदीक होते हैं और धीरे धीरे सिल्विया का प्यार नानावटी के लिए कम होता जाता है। लेकिन प्रेम अयास किस्म का एक बिजनेसमैन था। फिर जब नानावटी घर लौटे तो उनको थोड़ा शक हुआ, सब कुछ बदली बदली सी लगी उन्हें। जल्द ही नानावटी को पता चल गया कि सिल्विया और प्रेम का अफेयर चल रहा है, तो बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि सिल्विया से वे इंतहा प्यार करते थे। उन्हें लगा कि चलो वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद 27 अप्रैल 1957 की तारीख आती है। लंबी ड्यूटी के बाद नानावटी अपने घर लौटे थे। बच्चों ने फरमाइश की कि उन्हें फिल्म देखनी है। उस वक्त एक इंग्लिश फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था टम थम्प। मुंबई की मेट्रो सिनेमा में लगी हुई थी। तो नानावटी 4 टिकटें बुक करते हैं, एक सिल्विया के लिए और 3 बच्चों के लिए। अपने लिए नहीं कराते, वो ये कहते हैं कि उनको कुछ जरूरी काम से बेस जाना है। पिक्चर जाने से पहले वो सिल्विया से आखिरकार पूछते हैं, तुम प्रेम से प्यार करती हो? तो वो जवाब नहीं देती। खामोशी का मतलब था हाँ। तो फिर पूछते हैं कि क्या प्रेम आहूजा तुमसे शादी करेगा, हमारे बच्चों को खुश रखेगा? तो वो कहती है कि ये मैं कैसे बता सकती हूँ। फिर वो अपने फैमिली को लेके थिएटर पहुँचते हैं मैटिनी शो के लिए 3 से 6। ड्रॉप करने के बाद नानावटी नाभेल के हेडक्वार्टर में पहुँचते हैं। क्योंकि वो छुट्टी पे थे तो अपना सर्विस रिवर्बल उन्होंने जमा कर दिया था। तो वहाँ पे जाके कहते हैं कि उन्हें अपने रिवर्बल चाहिए, कुछ काम है। पेपर वर्क के बाद उन्हें रिवर्बल और 6 गोली एक लिफाफे में दी जाती है। वहाँ से नानावटी सीधे प्रेम आहूजा की गाड़ी के शोरूम में जाते हैं। वहाँ पे उन्हें पता चला कि थोड़ी देर पहले ही आहूजा वहाँ से निकल चुके हैं। वहाँ से अब ये सीधे मलाबार हिल्स के तरफ चलते हैं। वहाँ पे जीवन ज्योति अपार्टमेंट में 2nd फ्लोर पे प्रेम रहता था। घर में उस वक्त प्रेम की बहन मैमी और उनकी मेड थी। नानावटी मेड से पूछे कि प्रेम है, तो उसने कहा कि हाँ अपने रूम में है। क्योंकि पहले से आना जाना था, हर कोई नानावटी का जानता था। अंदर जाते हैं तो प्रेम जस्ट बाथरूम से निकला था, टॉवेल पहना हुआ था और मिरर के सामने खड़ा हुआ था। नानावटी के हाथ में वही लिफाफा है जिसमें पिस्तल है। थोड़ी देर बाद एक एक कर 3 गोली की आवाज सुनाई देती है। आवाज आते ही मेड और बहन दोनों बदहवास भागते हैं और देखते हैं कि प्रेम टॉवेल में खून से लथपथ फर्श में पड़ा हुआ है और नानावटी उस कमरे से बाहर निकल रहे हैं। वो वहाँ से निकलकर वेस्टर्न नाभाल कमांड के मार्शल के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैंने किसी को गोली मार दी है। फिर मार्शल कहते हैं कि तुम सीधे थाने में जाके सरेंडर कर दो।
इसके बाद नानावटी सीधे नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। उस वक्त वहां का इंचार्ज थे इंस्पेक्टर लबो। उनको नानावटी कहते हैं कि अभी अभी एक शख्स को गोली मार के आया हूँ। तब तक लबो को प्रेम की मौत की खबर मिल चुकी थी, तो वो कहते हैं कि उस शख्स की मौत हो चुकी है। इस पूरे दौरान में नानावटी ने नेवी का वर्दी पहना हुआ था, तो इंस्पेक्टर उन्हें चाय के लिए पूछते हैं, तो नानावटी कहते हैं नहीं नहीं एक ग्लास पानी चाहिए। इसके बाद नानावटी को पुलिस कस्टडी में ली जाती है। सीधे सीधे 302 यानी कत्ल का मामला है, एक हाई प्रोफाइल केस, एक बड़े बिजनेसमैन का कत्ल एक नेवी कमांडर के हाथों। अब यहाँ पे दो चीजें थी, नानावटी पारसी समुदाय से थे और प्रेम सिंधी समुदाय से। मामला कोर्ट में जाती है और लॉयर कोर्ट एक जूरी बनाती है। जूरी मतलब उसके मेंबर्स, जो अलग अलग फील्ड्स के लोग हों, जिनकी छवि बड़ी साफ सुथरी बेदाग हो और उनकी इंसाफ पे कोई उंगली नहीं उठा सके, और वो लोग आम लोग होते हैं। आम तौर पर जूरी का फैसला भी जज का फैसला होता है। जूरी 9 मेंबर्स का बनाया गया, जिनमें से 2 पारसी थे, एक एंग्लो इंडियन, एक क्रिश्चियन और 5 हिंदू, और उनमें से एक महिला भी थी। सरकारी वकील ने मर्डर का केस लगाया, जबकि नानावटी के वकील ने इसको गैर इरादतन हत्या बताया। नानावटी ने बताया कि वो प्रेम के पास बस ये पूछने गए थे कि क्या तुम मेरी बीवी से शादी करोगे, तो प्रेम ने कहा क्या मैं हर उस लड़की से शादी करूं जिसके साथ मैं सोता हूं। इसके बाद गुस्से में धक्का मुक्की हुई और वो पार्सल जिसमें पिस्तल था नीचे गिर गया। प्रेम पिस्तल छीनना चाहता था, छीना छपटी के दौरान गोली चल गई। इस पे सरकारी वकील ने सवाल किया कि अगर बातचीत करने गए थे तो उससे पहले अपना सर्विस रिवॉल्वर क्यों इशू कराया। फिर नानावटी ने बताया, वो रिवॉल्वर मैंने इसलिए इशू कराया था कि प्रेम से बात करने के बाद मैं अपनी जान ले लूंगा, क्योंकि मैं सिल्विया के बिना नहीं जी सकता। अगर प्रेम कह देता कि हाँ वो शादी करेगा और बच्चों का ख्याल रखेगा, तो मैं वहां से निकलता और अपने आप को गोली मार लेता। अब बारी थी सिल्विया की स्टेटमेंट का। उन्होंने कहा कि मैंने नानावटी को बताया था कि मैं प्रेम आहूजा से प्यार करती हूँ, लेकिन प्रेम तब तक मुझसे प्यार करता था जब तक हमारे बीच शारीरिक संबंध नहीं थे। उसके बाद उसने मुझे किनारा करना शुरू कर दिया। उस दिन नानावटी ने मुझसे कहा कि मैं प्रेम से जाके बात करूंगा कि अगर वो तुमसे प्यार करता है तो तुमसे शादी कर ले, पर मैंने उन्हें रोका था कि मत जाओ वरना वो तुम्हें मार डालेगा। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, मरना तो मुझे वैसे भी है, पर एक बार मैं बात करके देखूंगा। तो सिल्विया ने ये भी कहा था कि तुम क्यों मरोगे, गलत मैंने किया, धोखा मैंने दिया। तो अदालत में ये सिलसिला चलता रहा। 27 अप्रैल 1959 को कत्ल हुआ था। ट्रायल शुरू हुआ 23 सितंबर 1959 को। हर पेशी पर नानावटी अपने यूनिफॉर्म पे कोर्ट पहुंचते थे। इस केस को मीडिया में इतनी ज्यादा कवरेज मिली कि पूरे देश में इस केस की चर्चा होने लगी। उन दिनों मुंबई में एक वीकली अखबार निकलता था, ब्रिट्स। उसने इस पूरे मामले को इस तरीके से कवर करना शुरू कर दिया कि ये सामान्य से हत्याकांड पूरे सिंधी और पारसी समुदाय का मामला बन गया। इस अखबार के ओनर भी एक पारसी थे। देखते ही देखते हत्या करने के बावजूद के एम नानावटी एक हीरो बन गए, जबकि प्रेम आहूजा एक बिगडेल प्लेबॉय बन गया। नतीजा ये हुआ कि लोगों के हमदर्दी नानावटी के साथ जुड़ने लगी। लोगों ने नानावटी के समर्थन में रैलियां निकालना शुरू कर दिया और कोर्ट में नानावटी को माफ करने की याचिकाएं भी आने लगी। केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट पूरी तरह भरने लगा, हजारों लोग कोर्ट के बाहर जमा होने लगे। इस दौरान प्रेम के वकील ने कहा, अगर इन दोनों में झगड़ा होता तो जाहिर सी बात है कि वो टॉवल जरूर खुल के गिर जाता। इसके अलावा नानावटी के यूनिफॉर्म में भी खून के धब्बे होते, मगर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नानावटी ने दूर से निशाना लगाया है, और अगर गलती से गोली चलती तो 3 नहीं एक ही गोली चलती। इन सब के बावजूद जूरी मेंबर्स के द्वारा एक हैरान कर देने वाला फैसला लिया गया। नानावटी को निर्दोष करा दिया जाता है। 9 में से 8 जूरी मेंबर्स ने माना कि गोली गलती से चली, जबकि एक मेंबर का मानना था कि नानावटी ने जानबूझकर गोली मारी थी। इस फैसले के बाद कोर्ट परिसर में जश्न का माहौल हो जाता है। हालांकि कुछ घंटे बाद इस मामले को बॉम्बे हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लंबी सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट प्रेम आहूजा की वकील के दलीलों को सही मानते हुए नानावटी को उम्र कैद की सजा सुनाती है। मुंबई के उस वक्त के गवर्नर थे विजय लक्ष्मी पंडित, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की बहन। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, नानावटी पर हाईकोर्ट का ये फैसला लागू नहीं होगा। वो उसी गेस्ट हाउस में रहेंगे जहां आज तक रुके हुए हैं। मतलब मर्डर से लेकर अब तक
वो जेल गए ही नहीं थे। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि हाई कोर्ट का फैसला सही था, उम्र कैद की सजा बरकरार रही। इसके बाद लोगों में एक मायूसी, एक निराशा छा गई। गवर्नर के पास प्रेसिडेंट जैसा एक पावर होता है किसी को माफी देने का। तो विजय लक्ष्मी पंडित ने पीएम से बात की। फिर डिफेंस मिनिस्टर भी कृष्ण मेनन भी सामने आए कि इतने बड़े और देशभक्त ऑफिसर के लिए ये सजा ज्यादा है। मतलब स्टेट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक पूरी सरकार इस केस में उलझ गई। माफी देना हर कोई चाहता था, लेकिन एक इशू आ गया, कहीं माफी देने पे सिंधी बिरादरी बुरा ना मान जाए। इसी बीच में एक और चीज आती है, वही टर्निंग पॉइंट होता है। एक फ्रीडम फाइटर जो कि सिंधी समाज के एक नेता भी थे और एक बिजनेसमैन भी थे, उनका नाम था भाई प्रताप। उनको फर्जी लाइसेंस के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अरेस्ट के बाद सिंधी बिरादरी में बड़ा गुस्सा था कि ये फ्रीडम फाइटर हैं और इनको एक छोटी सी गलती के लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने गवर्नर को अप्रोच किया कि आप इन्हें माफी दे दें। इसी दौरान में प्रेम की बहन मैमी ने बाकायदा लिख कर दे दिया कि नाना बटी को अगर आप माफ कर देते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसी वक्त नया नया वकालत शुरू करके कानून की दुनिया में अपना नाम कमाने की कोशिश कर रहे थे राम जेठमलानी, हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर। अब ननावटी का केस राम जेठमलानी लड़ते हैं। आखिर में विजय लक्ष्मी पंडित कहते हैं, अगर मैं भाई प्रताप को माफ करूंगी तो नाना बटी को भी माफ करूंगी। और अब यहाँ पे पारसी और सिंधी का मामला खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद नाना बटी को आखिरकार जेल भेज दिया गया था। जेल में करीब 3 साल रहने के बाद 17 मार्च 1964 को नाना बटी और भाई प्रताप को एक साथ रिहा किया गया। मार्च की महीना खत्म होने से पहले नाना बटी अपने फैमिली के साथ बड़ी खामोशी से मुंबई छोड़ के कनाडा चले जाते हैं। इसके बाद नाना बटी या उनके फैमिली कभी सामने नहीं आए। आखिरकार 2003 में नाना बटी की मौत की खबर कनाडा से मिलती है। तो ये थी पूरी कहानी। कमेंट करके आपकी सोच जरूर बताएं कि नाना बटी ने जानबूझकर हत्या की थी या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।